कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, ठीक है, क्लियर है। चलो क्या है इसका मैं बताता हूँ। देखो सपोज करो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का CO2 बनेगा, यस ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, बनेगा, क्लियर है। चलो हाँ चलो, सर, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड पर CO2 बनेगा, किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं चलो सर। अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ 100 ग्राम, 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कितना मोल CO2 बनेगा, 44 ग्राम CO2 बनेगा, हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, जल्दी बोलो। हाँ तो सर, ये क्या है, अगर मैंने बोला कि मेरे पास 200 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और इसका प्योरिटी है 95%, इसका प्योरिटी क्या है, 95% है, इसका मतलब रिएक्शन करने के लायक कितना है, जल्दी बोलो, रिएक्शन करने के लायक कितना है, रिएक्शन करने के वन लायक नाइनटी ग्राम्स 190 ग्राम है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किससे बनेगा, जल्दी बोलो, जो प्रोडक्ट बनेगा वन किससे, नाइनटी वन ग्राम से ही नाइनटी ग्राम बनेगा से सर। बनेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ क्या बोलते, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 1 मोल ऑफ CO2, राइट, जल्दी बोलो, हाँ है ना, हाँ जल्दी सर, बोलो, आप यहाँ क्या बोलोगे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव वन नाइनटीन बाई मोल ऑफ टेन CO2, CO2, ठीक है, इसका मतलब 190/100 मोल, क्योंकि मोल आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 190/100 मोल ऑफ CO2, ठीक है, क्लियर, पकड़ सर। आउट। तो मेरा मोल पता चल गया 19/10, और उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 44, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, फटाफट कैलकुलेशन कर लो, तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लो, तो सर कैलकुलेशन कर लो शायद एक बार, 63.6 होगा, 73.6। चलो कैलकुलेशन सर कर लो, 19 × 44 / हाँ 83.6, क्लियर है, सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, देखो क्लियर सर, है, पकड़ आउट, क्लियर सर, थैंक्स। जल्दी बोलो, क्लियर है, होना चाहिए था 88 ग्राम, बट आएगा कितना, 83.6, क्लियर है। तो जो भी लिखो, लिखो वाट एवर प्रोडक्ट, लिखो वाट एवर प्रोडक्ट, लिखो वाट एवर प्रोडक्ट फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन, लिखो वाट एवर प्रोडक्ट फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन विल बी फ्रॉम प्योर सब्सटेंस, विल बी फ्रॉम प्योर सब्सटेंस, विल बी फ्रॉम प्योर सब्सटेंस, क्लियर है, विल बी फ्रॉम प्योर सब्सटेंस। चलो सुनो, सर एग्जाम्पल पूरा का पूरा जो है करके आना, एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ो, टिक मार्क करके पढ़ो, डाउट क्लियर करो अपना, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज का ज्यादा नहीं, स्टार्टिंग में तुम 1 से लेके 25 तक करके आओ, 1 से लेके 25 तक करके आना, ठीक है, और जेई मेंस लिखो, जेई मेंस लेवल 1 लेवल 2 पूरा कर लेना, लेवल 1 लेवल 2 पूरा कर लेना, और एडवांस लेवल 1, बस इतना करो फिलहाल, एडवांस लेवल 1 और कुछ नहीं, फिलहाल इतना करो, धीरे धीरे करो, अच्छा होगा फिर। तो चलो टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखो, सतर्क रहो, सावधान रहो, पढ़ते रहो बस, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर, तो मोल कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 99% खत्म, डिस्कशन के टाइम और अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जो दम एडवांस से भी ऊपर का हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, चलो तो टेक केयर, एंड करता हूँ, एक हाँ बोलो, मीटिंग के बाद एक बार सर कॉल कर सकते हैं आपको 1 मिनट के लिए? हाँ जो 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 क्यों नहीं, जो जो बिल्कुल बिल्कुल करो, ठीक है सर। ठीक है, चलो बाय बाय, ख्याल रखो, पढ़ो अच्छे से सब लोग।